नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है। महाराजा अग्रसेन वैश्य समाज के जनक कहे जाते हैं। माना जाता है उनका जन्म क्षत्रिय समाज में हुआ था। उस समय आहुति के रूप में पशुओं की बलि दी जाती थी, जिसे महाराजा अग्रसेन पसंद नहीं करते थे और इसी कारण उन्हें क्षत्रिय धर्म त्याग कर वैश्य धर्म को स्वीकारना पड़ा। अग्रसेन जी की जयंती और नवरात्रों के पावन अवसर पर अग्रवाल मित्र मंडल ने मिलकर एक भव्य जागरण का आयोजन किया। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में अग्रवाल मित्र मंडल नोएडा द्वारका सेक्टर 33 स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित किया गया। हवन के बाद वैश्य समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को अग्र गौरव प्रतिभावान सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी के कैबिनेट मंत्री महेश शर्मा को अग्रवाल मित्र मंडल के सभी सदस्यों ने सम्मानित किया। अग्रसेन जयंती की संध्या पर माता की चौकी का आयोजन भी किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। इस अवसर पर संस्था के महासचिव सुरेश गुप्ता, मीडिया प्रभारी प्रदीप अग्रवाल, सह कोषाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी अनुज गुप्ता, सतीश गर्ग, संदीप अग्रवाल सहित कार्यकारिणी के सभी सदस्य मौजूद थे। माता की इस भव्य चौकी में अग्रवाल मित्र मंडल के सभी सदस्यों ने माता को अरदास दी। अग्रवाल मित्र मंडल द्वारा आयोजित मां के इस जगराते में सभी महानुभावों को शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान माता की चौकी में जब महिला सिंगर ने माता के गानों से शुरुआत की, तो चौकी में मौजूद हर एक भक्त माता की भक्ति में लीन हो गए। जब वैश्य व्यापार न्यूज चैनल की टीम ने अग्रवाल मित्र मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय गोयल से बात की, तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। जय कुमार गोयल, अग्रवाल मित्र मंडल अध्यक्ष। हमारे श्री महाराजा अग्रसेन जी का जन्म नवरात्रि के प्रथम दिन पक्षपात के दिन हुआ और हम काफी समय से पहले नवरात्रि को ही महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया करते हैं। संस्था के सभी सदस्यों को आमंत्रित करते हैं और आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में सदस्य आए हुए हैं। 2-3 हजार सदस्यों की संख्या आज उपलब्ध है। माता रानी की कृपा है, नवरात्रि का पहला दिन है और महाराजा अग्रसेन जी की बहुत बड़ी कृपा है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा है। प्रतिवर्ष कार्यक्रम माँ भगवती के चौकी के और कभी जैसे भी अध्यक्ष जो भी संस्था की कार्यकारी चुनाव करती है कि अग्रसेन जयंती में माँ की भगवती का जागरण होना चाहिए या कभी सम्मेलन, वो जैसे वो कार्यकारी के अनुसार है। हमारे हम पूरी धार्मिक सामाजिक प्रवृत्ति से तो हमारी पूरी कार्यकारिणी में माँ भगवती का प्रथम दिन में माँ जागरण आपके सामने। अग्रवाल मित्र मंडल जो हमारे पूर्व महाराजा अग्रसेन जी ने एक रुपया एक ही सामाजिक समता जो नेम अपनाया था, आज भी हमने वही नेम अपनाया। यहाँ पर वैश्य समाज के काफी सदस्य ब्रजवासी मंडल के अध्यक्ष और महाश्री मतलब विभिन्न संस्थाओं के हमारे जो वैश्य समाज घटक हैं उनको भी अध्यक्षों को आमंत्रित किया है, वो भी सभी आए हैं। हमारा ये महाराजा अग्रसेन जी के नेम के अनुसार सभी वैश्य समाज को एकत्रित करके समाज में एकता बनी रहे, ये महाराजा अग्रसेन जी की जो नीति थी कि जो भी सदस्य हमारे अग्रवाल में आया उनको एक रुपया एक ईंट देकर के मकान की व्यवस्था हुई और एक रुपया देकर रोजगार की व्यवस्था हुई। हम यही चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि सभी एक रहे, जो महाराजा अग्रसेन जी के नियम थे वो आज भी रहे तो समाज एकत्र रहेगा। इसी दौरान जगराते में शिवजी और पार्वती का आकर्षित और सुंदर नृत्य भी देखने को मिला। वहीं इस सुंदर झांकी में अग्रवाल मित्र मंडल के सभी पुरुष और महिलाओं ने जमकर डांस किया। कहते हैं माता के जगराते में आए हुए सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। माता के सुंदर जगराते में दूर दराज से भक्तों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी थी। सभी आए मुख्य अतिथियों को पुरस्कार देकर स्वागत सम्मान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, वैश्य व्यापार न्यूज। इस रिपोर्ट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।